वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूरयो राज्ञां चोभय वंशयानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णो वीर्याणि संसना अवतीर्य दौरवंशे भगवान् भूतभावना कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरा निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भवो सदा श्रोत्रमनोभिरामा कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात् पिता महामे समरे मरंजये देवव्रताद्यातिरथैति मिंगिलै दुरत्तयं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन्वत्सपदं इष्टैस्तलभः जुगोपि कुक्षिं गतात् चक्रो नहीं गलत हो गया द्रोणयस्त्रि विपलश्नुदं मदंगम द्रोणयस्त्र विपलुष्टमिदं मदंगम शंतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपि कुक्षिं गतमात चक्रो मातुश्च मेयः शरणं गताय। हरे कृष्ण। तो ये यहाँ पर महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से बहुत सुंदर जिज्ञासा कर रहे हैं और यही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ जिज्ञासा है ना, जो भगवान के बारे में और हम कितना जान सकें, कितना हम सुन सकें, ये वास्तव में असली जिज्ञासा है। नवें स्कंद में लगभग 23 या 24 अध्याय है मेरे ख्याल में, 24 तो उसमें आधे में तो सूर्यवंश का वर्णन किया है। पहले सूर्यवंश का वर्णन किया जिसमें भगवान श्री राम की कथा, और लगभग कुछ उसके बाद से सोमवंश का वर्णन किया है, चंद्रवंश एक ही बात है, सोम चंद्र की बात है, सोम चंद्र एक ही बात है। सुखदेव गोस्वामी सूर्यवंश का वर्णन करने के बाद फिर चंद्रवंश का वर्णन करने जब लगे तो बोले वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरम नृणाम यदोरवंशे नरः श्रुत्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते।
सुखदेव गोस्वामी सूर्यवंश का वर्णन करने के बाद जब चंद्रवंश का वर्णन करने को थे तो बोले वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरम नणाम। बोले राजन अब मैं यदुवंश का वर्णन करने जा रहा हूँ, सोम वंश में जो बड़ा ही इतना ये वर्णन इतना पुण्य इतना पवित्र है। यदुर्वंशे नरः श्रुत्वा, जो व्यक्ति यदुवंश की इन गुणों को इन लीलाओं को इन चरित्रों को सुनेगा तो सर्व पापी प्रमुच्यते, सारे पापों से ही छूट जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने नवें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की बहुत संक्षिप्त कथा सुनाई। बोले कि मथुरा में यदुवंश में सूरसेन हुए और सूरसेन के वसुदेव आदि 10 पुत्र थे, तो वसुदेव जी का विवाह जब देवकी से हुआ तो उन वसुदेव जी के द्वारा देवकी से भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, वो भी मथुरा में कंस के कारागार में। जन्म तो लिया उन्होंने मथुरा में कंस के कारागार में, परंतु वहाँ रहे नहीं। वहाँ से वो गोकुल में चले गए नंद महाराज के यहाँ, और वहाँ जाकर के उन्होंने बहुत सुंदर बाल लीलाएँ की, बड़े बड़े असुरों का भी वध किया, ब्रजवासियों को गोपों को गोपियों को और सभी ब्रजवासियों को और गैया बछड़ों को सबके लिए को महान सुख प्रदान किया भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से। और वहाँ की लीलाओं को समापन करके भगवान श्री कृष्ण लगभग 11 साल वहाँ पर रहे कुछ महीने कम, और फिर मथुरा में आकर के कंस का वध किया जो उनका मामा था। और फिर सांदीपनि उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाकर सांदीपनि मुनि के यहाँ विद्याध्ययन करके लौटे। उसके बाद उन्होंने जरासंध को 17 बार युद्ध में हराया और कालेवन को कालेवन के मुचकुंद द्वारा कालेवन का वध कराया। और फिर भगवान द्वारका में गए, द्वारका में जाकर के 16108 रानियों से विवाह किया, प्रत्येक से 10 पुत्र एक एक पुत्री उत्पन्न किया। और भगवान ने फिर पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आए तो दुष्ट राजाओं का वध किया और पांडव और कौरवों को निमित्त बना करके संपूर्ण पृथ्वी को दुष्टों से दुष्ट राजाओं से विहीन किया। और फिर भगवान श्री कृष्ण ये लीला स्मरण करके अपने निज गोलोक धाम को चले गए। सुखदेव गोस्वामी ने संपूर्ण कृष्ण कथा संक्षिप्त में थोड़ी देर में सुना दी। महाराज परीक्षित बोले गुरुजी मुनिवर, इस कृष्ण कथा को सुनने की आशा से मैं 4 दिन से बैठा हुआ हूं। और जब कृष्ण कथा आई तो आपने संक्षिप्त में एक सांस में एक मिनट में सारी कथा सुना दी आपने, हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव गोस्वामी बोले और क्या सुना आपने, हो गई ना। गुरु जी इससे संतुष्टि नहीं हुई। बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्ञां चोभय वंशयानां चरितं परमाद्भुतम्। बोले हे मुनिवर, आपने चंद्रवंश चंद्रवंश और सूर्यवंश के राजाओं का और उन राजाओं के अद्भुत चरित्र का वर्णन खूब विस्तार से किया और मैंने सुना, पर यदोष धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तमम
आपने जो वर्णन किया था राजाओं का, इसमें यदुवंश का भी वर्णन किया था आपने, सोमवंश का, यदुवंश का वर्णन किया, तो तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसना, तो इसी यदुवंश में साक्षात भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण अपने अंश संकर्षण के साथ अवतरित हुए। अवतीर योर वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानी विश्वात्मा तान नो वद विस्तरा, बोले अवतीर योर वंशे भगवान भूत भावना, जिस वंश में यदुवंश में साक्षात भगवान, साक्षात भगवान प्रकट हुए, क्योंकि और बार तो भगवान अपने कुछ अंश से, फिर अंशांशीन अंश के अंश से प्रकट होते थे, है ना, धर्म संस्थापनार्थ है संभवामी, युग युग हर युग में भगवान प्रकट होते हैं, कभी अंश से, कभी अंश के अंश से, और कभी अपनी शक्ति से, सत्यावेश अवतार से कभी। लेकिन ईश्वर तो साक्षात भगवान, साक्षात भगवान पुरुषः परः, स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है कि जब ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान की स्तुति कर रहे थे, है ना, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए सब इकट्ठे होकर आए थे, तो गिरम समाधो गगने समीरताम निशम वेधा तथानुवाच गाम पौरसी में सुनता हमारा पुनः विधीयतामा तथेव माचरम। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे देवताओं सुनो सुनो, मैंने अभी आकाशवाणी सुनी है, क्योंकि जब सभी देवता भगवान शिव जी, इंद्र और भी बहुत सारे बड़े लोकपाल भी साथ में थे, जब पृथ्वी को साथ में लेकर क्षीर सागर के पास आकर के प्रार्थना कर रहे थे भगवान की, तो प्रार्थना करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए, तो गिरम समाधौ गगने समीरताम, भगवान ने आकाशवाणी की तो केवल ब्रह्मा जी ने सुनी और किसी ने नहीं सुनी, हालांकि वहां बहुत सारे भगवान शिव भी थे और बहुत सारे देवता थे, तो भगवान जिसको सुनाना चाहते वही सुन सकता है। तो गिरम समाधौ गगने समीरताम निशम वेधा, क्या कहते ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने ये केवल सुनी, और फिर उन्होंने कहा कि देखो सुनो सुनो, अभी मैंने आकाशवाणी सुनी है, भगवान ने कहा है कि देवताओं मुझे पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है, और भगवान शीघ्र अवतरित होंगे, देवताओं चिंता मत करो, और अब जो भगवान ने कहा है उसे ध्यान से सुनो, भगवान ने क्या कहा है, भगवान अवतार लेंगे कहां, बोले वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवं तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी बोले कि इस बार वसुदेव जी के घर अवतार लेंगे, कौन, बोले साक्षात भगवान पुरुषः परः, इस बार तो साक्षात परम पुरुष भगवान, जो परिपूर्णतम भगवान है, वो इस बार वसुदेव जी के घर जन्म लेंगे, और उनकी प्रिया भी साथ में, तो तत्प्रियार्थम यानी उनकी प्रिया की सेवा करने के लिए आप अपनी स्त्रियों के साथ तुम लोग ब्रज में अपने अपने अंश से प्रकट हो। तो यहां पर सुखदेव महाराज परीक्षित करें, तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि विष्णु वीर्याणि संसना, बोले उसी वंश में साक्षात भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण अपने अंश संकर्षण के साथ अवतरित हुए। तो यदोर वंशे अवतीर्य दोर वंशे भगवान भूत भावना, तो संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक साक्षात भगवान श्री कृष्ण सर्वात्मा हैं, तो वो यदुवंश में अवतरित हुए, तो कृतवान यानी विश्वात्मा तांडु वध विस्तरा, जब भगवान श्री कृष्ण अपने भ्राता बलराम के साथ प्रकट हुए, तो उन्होंने जो जो लीलाएं की हों,
बदनो विस्तार, हमको विस्तार से कहो, संक्षिप्त से काम चलने वाला नहीं, विस्तार से हमको सुनाओ। और निवृत तरसई उपगीय मानात भवो सदा सूत्र मनोभिरामात कौत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान प्रज्जित बिना पसुगनात। महाराज परीक्षित कहते हैं कि निवृत तरसई जिनकी सारी भौतिक, जो सारी भौतिक इच्छाओं से निवृत्त हो चुके हैं, है ना, बहुत सारी भौतिक इच्छा होती है ना, सारी भौतिक इच्छाओं से निवृत्त हो चुके हैं, तो उपगीय माना ऐसे लोगों के द्वारा जो भगवान की कथा कही जाती है, गायन की जाती है ऐसे लोगों के द्वारा, जो सारी भौतिक कामनाओं से परे हैं, सारी भौतिक कामनाओं से निवृत्त हो गए हैं, है? मुक्त हैं, जीवन मुक्त हैं, तो ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों के द्वारा जो भगवान की कथा कैसे कहते हैं, वो बड़े प्रेम के साथ हृदय से कथा कहते हैं। हृदयात मुखचितो, हृदयात मुखचितो, उनके हृदय से निकलते हो, मुख से वो अमृत टपकता है। तो जिनकी सारी कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं, भौतिक कामनाएं जिनकी निवृत्त हो चुकी हैं, जो सदैव जीवन मुक्त हैं, ऐसे लोग पूरे प्रेम के साथ, परिपूर्ण प्रेम से भगवान की कथाओं का वर्णन करते हैं। तो ऐसी कथा को भला कसाई के अलावा या आत्मघाती के अलावा ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो नहीं सुनेगा? क्यों? कि वो कथा कैसी है, बोले भाव औषधात, जो जन्म मृत्यु का जो रोग है, पुनर्जन्म पुनर्मरणम पुनर्जननी झट से सहनम, बोले जन्म मृत्यु रूपी भाव रोग है, इस रोग को दूर करने के लिए सबसे असली दवा वही तो है, है ना। जैसे जब जब व्यक्ति को शारीरिक रोग होता है तो मेडिसिन लेते हैं ना, औषधि लेते हैं शरीर के रोग को दूर करने के लिए, लेकिन भवरों को दूर करने के लिए ये ऐसे महापुरुषों के मुख से भगवान की कथा जो होती है, ये भवरों की महा औषधि, रामबाण औषधि है, ये अचूक औषधि, ये कभी निष्फल नहीं होती। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा भी है कि वास्तव में कथा को सुनने से मनुष्य का परम कल्याण होता है, और कथा भी ऐसे पुरुषों से सुननी चाहिए जो वैष्णव हैं, और विशेषकर जो खूब भक्ति में खूब उन्नत भक्त हैं, जिनकी संसार की सारी कामनाएं लगभग मुक्त हो चुकी हैं, क्योंकि भागवत की कथा मनुष्य के लिए संसार बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए है, है ना। संसार बंधन है जो बार बार जन्मना, बार बार ये ना जन्म मृत्यु का चक्कर, कितना भारी कष्ट है। तीसरे स्कंद में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जो माँ देवहूति ने भगवान कपिल से कहा कि प्रभु, हमारे पति महाराज कहा करते थे कि तुम्हारे पुत्र साक्षात भगवान ही अवतार लेंगे पुत्र के रूप में, क्यों कर्दमुनि तो चले गए थे वन में तपस्या के लिए, कर्दमुनि वन में चले गए थे, उनकी कन्या सब ऋषियों के साथ विवाह की, नौ कन्याएं, अब देवहूति अकेली रहेगी तो थोड़ी थोड़ी बेचैन सी रहती थी, तो विचार किया कि हमारे पति कहा करते थे कि तुम्हारे पुत्र साक्षात भगवान ही अवतरित भगवान ही हैं, तो जब भगवान हैं तो घर बैठे गंगा है तो डुबकी लगानी चाहिए ना, जब घर बैठे गंगा आ जाए तो उसमें फिर डुबकी लगानी चाहिए, नहीं तो फिर बड़ी अज्ञानता है, मूर्खता है। तो साक्षात घर में हमारे भगवान आ गए हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए लोग सब कुछ छोड़ के वन में जाते हैं, तो फिर क्यों नहीं उसका लाभ उठाया जाए। तो देवहूति ने भगवान से अपने पुत्र को प्रणाम किया, कहा कि पुत्र मैं जानती हूँ साक्षात भगवान हो, और अब ये
समझना चाहती हूँ कि मेरी जैसी अवला जो इस संसार में फंसी हुई भगवान की माया, वो कैसे निकल सकती है। और बड़ा ही उन्होंने कई प्रश्न किए, और फिर बार बार जीव को ये बंधन क्यों होता है। तो भगवान कपिलदेव ने कहा, चेतः खलव सुबंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुड़े सक्तम बंधाय रतिम्बा पुंसी मुक्तये। कपिल भगवान ने कहा कि माँ, जीव का ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। कैसे? बोले गुणेशु सक्तम बंधाय, जो जो गुण गुणे हैं तीन गुण, यदि प्रकृति के तीन गुणों में आसक्त जब मन हो जाता है तो बंधन का कारण बनता है। और रतिम बापुंसी मुक्त है, भगवान में जब रति हो जाती है, विशेषकर उनकी कथाओं में रति होती है, उनमें रति होती है, तो पुंस मुक्त ही मुक्ति का कारण बन जाता है। तो वास्तव में हमें इस भौतिक संसार से निकलने के लिए जो सबसे बड़ी दवा है, सबसे बड़ा जो कोई औषधि है, सबसे बड़ा कोई उपाय है, तो ये है भगवान की, कृष्ण की कथा। और वो भी प्रभुपा जी कहते हैं कि उन्नत भक्त के मुख से कथा सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो व्यापारी लोग हैं कथा कहने वाले, तो उससे लाभ नहीं होता। तो निवृत्तर से उपकीयमानात भवो सदा श्रोत्र मनोभिरामात, बोले ऐसे महापुरुषों के द्वारा जब कथा कृष्ण की हो रही हो तो बिना पशुकनाथ, जो हत्यारे नहीं अर्थात जो कसाई है या फिर जो आत्मघाती है, उसके अलावा और ऐसा कौन सा होगा जो कृष्ण की कथा को नहीं सुनेगा। सब लोग सुनेंगे इन दो लोगों को छोड़ करके, है ना। कौन कौन से? एक आत्मघाती जो स्वयं अपना आत्म का ग्रहण कर रहा है, इसलिए भगवान गीता में कहा ना छठे अध्याय में कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे, अपने को नीचे नहीं गिरने दे, अपने को अधोगति में नहीं जाने दे। उद्धरेत आत्मनात्मना ऐसे कुछ है ना, इसलिए थोड़ा ध्यान पर नहीं आ रहा कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे, अपने को नीचे नहीं जाने दे। तो यहां दो पुरुषों के अलावा ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कृष्ण कथा को नहीं सुनेगा। वो कथा कैसी जो जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा देने वाली हो। तो आत्मघाती दो कहे हैं, कौन कौन से? वो एक आत्मघाती और दूसरा पशुघाती। पशुघाती इसको कहते हैं कसाई। अच्छा, कहीं कहीं प्रभुपाद जी ने एक बात और भी कही है कि केवल पशु को मारना ही बद नहीं है, वो तो बद है ही है, तो केवल वही नहीं, जो भक्त उन्नत हैं, भक्ति में खूब बड़े चढ़े हैं, और वो लोग देख रहे हैं संसारी लोग खड्डे में जा रहे हैं, इनका आत्महनन हो रहा है, इनका पतन हो रहा है, तो उसको कृष्ण का संदेश दे करके उसको यदि नहीं बचाएं तो वो भी हत्यारे के समान ही है, वो भी कसाई के समान है जी। हाँ, मैं थोड़ा मैंने कहीं पढ़ा, ध्यान पर नहीं आ रहा, भगवतम। हाँ हाँ, ठीक ठीक, कोई मतलब पता ध्यान नहीं रहता ना कहाँ पर आई है, लेकिन कहा प्रभुपाद जी ने ये कि जो व्यक्ति जो भगवत भक्ति में बड़े चढ़े हैं, भक्त हैं, और स्वयं अपने संसार सागर से निकलने का उपाय कर रहे हैं, जीवन मुक्त हैं, तो ऐसे लोग यदि और लोगों को जो अज्ञानी लोग हैं, जो खड्डे में जा रहे हैं अज्ञानता के कारण, यदि उनको कृष्ण उपदेश नहीं दें तो वो भी फिर कसाई का ही काम कर रहे हैं, वो भी हत्या कर रहे हैं उन लोगों की जो उनको नहीं बचा रहे। इसलिए ये जो अपनी संस्था है वास्तव में प्रचारक संस्था है, जो कितने लोगों का कल्याण कर रही है संस्था। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित कहते हैं कि गुरु, हे मुनिवर, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इस कथा को नहीं सुनेगा, कृष्ण कथा को। और प्रभुपाद जी ने कहा है कि कृष्ण कथा भी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो कृष्ण ने स्वयं अपने विषय में कहा है कि अहम सर्वस्व मत्तः सर्वम प्रवर्तित मत्तः भजन्ते मम, है ना, मत्तः परतरम नान्यते अस्ति किंचित धनंजय, अपने विषय में खूब कहा है।
है ना, अपने महात्म्य के बारे में, अपने विषय में अपना खूब बताया होगा ना, स्वयं कहा है। और दूसरा, भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में कहा गया है। एक तो भगवान ने कहा है वो कृष्ण कथा है, और जो भगवान के बारे में कहा गया है, जो भगवान ने कहा है वो भगवद गीता है, और भगवान के बारे में कहा है वो भागवत है। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अधिकांश लोग कृष्ण कथा के सुनने के इच्छुक होते हैं, ऐसे दो लोगों के अलावा, पशुघाती और आत्मघाती के अलावा अधिकांश लोग कथा सुनना चाहते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि विशेषकर भारतवर्ष में ऐसी परंपरा रही है और अभी भी है कि जहां भी कहीं बोर्ड लगा हो कि उस दिन से और कृष्ण कथा होगी और अमुक कथावाचक कथा करेगा, तो लोग पहले से ही प्लानिंग करते हैं कि हम समय निकालेंगे और कथा सुनने के लिए जाएंगे, तो लोग कथा सुनने जाते हैं। बोले भारतवर्ष में, प्रभुपाद जी बोले भारतवर्ष में ऐसी प्रथा है, परंतु कृष्ण कथा, प्रभुपाद जी कहते हैं परंतु कृष्ण कथा करने वाले आजकल तो कथावाचक कैसे हो गए, कैसे व्यापारी, बोले व्यापारी बहुत हो गए, और लोग भी ऐसे अज्ञानी हैं कि अधिकतर ऐसे लोगों से सुनते हो, ज्यादातर नचाया क्यों, कीर्तन किया और बस खूब डांस करवाया और ये वो, ये कथा बढ़िया लगती है लोगों के लिए है? तो उससे प्रभुपाद उससे लाभ नहीं मिलता। लाभ कैसे मिलता है, और निवृत्त तरसई, जो निवृत्त तरसई ऐसे लोगों के द्वारा यदि कथा सुनते हैं तो निश्चित रूप से है भवोसरा, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालने का वो औषधि वो काम करती है। पिता महामे समरे मरंजी देव व्रताद्याति रथैति मिंगलई दुरत्यम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन बस पदम स्मित इत्प्लवः। और कहते हैं कि श्री कृष्ण तो मेरे कुल देवता हैं, है ना, मेरे कुल देवता रहे हैं श्री कृष्ण, क्योंकि जब कौरव और पांडवों का महायुद्ध जब हो रहा था, जिस युद्ध में कौरवों की तरफ पिता महा बड़े बलवान थे, यहाँ तक कि देवता भी उनके सामने युद्ध में नहीं खड़े हो सकते थे, देवताओं को भी जीतने वाले भीष्म पितामह, जो देवताओं को भी जीतने वाले ऐसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और कर्ण इत्यादि, ये तो बस जैसे महान समुद्र में तिमिंगल होते हैं, तिमिंगल जो छोटी मछली खा जाते हैं, है ना, समुद्र में तिमिंगल होते हैं बड़े बड़े, पर वो छोटे जो खा जाते हैं, बोले ऐसे ऐसे ये जो महाभारत रूपी युद्ध था, इस युद्ध रूपी सागर में, ये भी सागर था, युद्ध रूपी सागर में, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण इत्यादि ये तिमिंगल के जैसे बड़े भयभीत थे, इनको जीतना बहुत मुश्किल, देवता भी नहीं जीत सकते थे, लेकिन धन्य है मेरे स्वनाम पितामह, परिषद महाराज कहते धन्य है मेरे स्वनाम पितामह जिन्होंने जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण ली। भगवान श्री कृष्ण की शरण ली, और भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेकर के इस कौरव रूपी सागर को ऐसे पार कर गए कृत्वा तरण वत्स पदम यत स्प्लवः, ऐसे पार करके जैसे कोई बछड़े के खुर के गड्ढे को आसानी से पार कर जाता है, होता ना, जैसे बछड़े का गड्ढा हो और उसको लांगने के लिए हमें कोई प्रयास करना पड़ता है, ऐसे कैसे लांगे सोचना पड़ता है उसके बारे में, अनायास पार कर जाते हैं। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की शरण ली उन्होंने, हमारे पितामह ने उन्हीं की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से, और हमारे पितामह उस कौरव रूपी सैन्य सागर को ऐसे पार कर गए जैसे बछड़े के गड्ढे को बड़ी आसानी से बछड़े खुर के गड्ढे को बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं।
और उन्हीं की कथा आपने संक्षिप्त सुना दी और कहते हैं द्रोण अस्त्र विपलुष्ट, द्रोण अस्त्र विपलुष्ट में इदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम जुगोपि कुक्षिम गचक्रो मातुश्च मे सरलम गताया। और बोले गुरुजी मुनिवर, ये जो मैं आपके सामने बैठा हूँ ना 3.5 हाथ का, हर व्यक्ति अपने 3.5 हाथ का होगा ना, 7 बित्ते 3.5 हाथ 3.5 हाथ या फिर 7 बिलान बोले जो 7 बित्ते अर्थात जो 3.5 हाथ का जो आप शरीर मेरा आपके सामने है, ये उन्हीं श्री कृष्ण की ही तो देन है। नहीं मैं तो द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र लगभग प्राय नष्ट प्राय हो चुका था, पर धन्य है मेरी माँ। मेरी माँ ने किसकी शरण ली? भगवान श्री कृष्ण की। बोले पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहे पाहे महायोगिन, योगिन कह करके उनको संबोधन किया। और अर्जुन ने क्या संबोधन किया जब वो आया था ब्रह्म? पाहे पाहे महाबाहो, पाहे पाहे महाबाहो, है ना, भक्तानां भयंकरः, उन्होंने ये ऐसा संबोधन किया है। तो बोले कि जुगोप कुक्षम गता चक्रो, धन्य है मेरी माँ जो भगवान श्री कृष्ण के शरण में गई और भगवान श्री कृष्ण ने मेरी गर्भ में मेरी रक्षा की, जो मुझे जीवन दान दिया। तो उन्हीं का दिया हुआ शरीर, जो 3.5 हाथ का मेरा शरीर है, उन्हीं का दिया हुआ शरीर गुरुजी आपके सामने बैठा हूं मैं, और उन्हीं की कथा आपने संक्षिप्त में सुना दी। थोड़ा उनकी कथा को विस्तार से कहो। तो ये बड़ा सुंदर उनकी जिज्ञासा है। महाराज परीक्षित की बड़े सुंदर प्रश्न है, आगे भी काफी प्रश्न है, तो यहीं तक हम कथा को विराम देंगे, क्यों समय हो गया हमें यहीं तक का, थोड़ा 8:30 तक का ही होना। तो आगे कथा कोई आगे जो वक्ता होंगे वो यहीं से शुरू करेंगे, ऐसा प्रभु का कुछ वो है कि लगभग लगातार कथा ही चलती रहेगी। तो आगे जो कथा कहेंगे जो वक्ता करेंगे उस दिन वो यहाँ से शुरू करेंगे फिर। हैं जी, कहाँ तक हो गए? 5 श्लोक कितना हो गए? 5 श्लोक हो गए, 6 हो गए, 6 श्लोक हो गए। हाँ, इसके बाद फिर 7वें श्लोक से शुरू करेंगे। 5 मिनट है, किसको कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते। हाँ, कोई जिज्ञासा, ठीक है, धन्यवाद। कोई प्रश्न या जिज्ञासा, कुछ या कुछ कहना भी चाहें ना, कुछ कमेंट कर सकते हैं। हाँ जी जी जी, प्रशंसा बहुत किया जी। जी ये प्रभुपाद जी ने भी कहा है, वैसे तात्पर्य में प्रभुपाद ने कहा है कि यद्यपि सूर्यवंश पहले आया, लेकिन यहाँ जो परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि भवता सोम सूर्यो, सोम का पहले नाम आया, भवता सोम सूर्यो, है ना, सोम पहले आया है। तो क्यों आया है कि महाराज परीक्षित कृष्ण कथा सुनना चाहते थे। राम कथा तो थोड़ी सुना दी, संक्षिप्त में सुनाई थी नवें स्कंद में, छोटी संक्षिप्त सुनाई, लेकिन वो उनकी जिज्ञासा जो थी वो कृष्ण कथा सुनने की जिज्ञासा थी उनकी, इसलिए भवता सोम, सोम वंश का पहले उन्होंने नाम ले दिया। सूर्य का नाम, सूर्यवंश का नाम थोड़ा बाद में आया है, पहले सोम, सोम नाम आया है। श्री प्रभुपाद जी ने कहा है तात्पर्य में, तात्पर्य पढ़ेंगे पता लग जाएगा। हाँ, ये प्रभु जी थोड़ा व्याकरण से बताएंगे थोड़ा। हाँ नहीं, ठीक है, अच्छा है ना, जो छोटा पद है वो पहले आना है, लेकिन उसमें दोनों छोटा है, दोनों दो अक्षर वाले, इसीलिए, लेकिन फिर भी सोम के इसीलिए पूछा गया कि भगवान का एक लीला सुनना चाहते। तो देखो व्याकरण की दृष्टि से इन्होंने एकदम बढ़िया बता दिया ना। हम तो अपना ऐसे ही बता देते हैं, पर व्याकरण दृष्टि से भी वो ठीक ही है। धन्यवाद। और कोई किसी का प्रश्न?
प्रसिद्ध श्लोक है, निवृत्तता से उपनियम आना, इसका थोड़ा सा व्याख्या थोड़ा सा कर सकते हैं। तीन प्रकार के जो लोग हैं, निवृत्तता से, निवृत्तता से मुक्त जन, और उसके बाद मैं यहाँ तक है कि मनोविराम मतलब जो संसारी लोग हैं वो भी कृष्ण कथा सुनने अपना आनंद लेते हैं, जो संसारी लोग हैं। तीन प्रकार के लोग पसंद है, माने बौद्धिक लोग भी कृष्ण कथा को सुनना चाहते हैं, तो और कौन नहीं सुनना चाहते हैं, जो पसंद है वो नहीं सुनना, आत्मघाती और पशुघ्न।